मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर दिया है और अभी उन्होंने एक जनपदी जनसभा को संबोधित किया और अब देखिए रोड शो के माध्यम से वो यहाँ से चंपावत से लोगों का अभिनंदन करने के लिए निकल रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहा सकता है कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो जनसभा में भी शामिल हुए थे और तमाम लोगों से उन्हें ये निवेदन भी किया है कि यदि वो यहाँ से जीत जाते हैं तो चंपावत का चहुंमुखी विकास भी करेंगे, जो भी समस्याएं यहाँ पर हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। और आज नामांकन के बाद पूरी तरह से भाजपा की जो है रणनीति वो अब आगामी दिनों में तैयार की जाएगी, क्योंकि भाजपा ने अपने तमाम नेताओं को यहां पर प्रभारी बना दिया है और कई मंत्रियों को यहां पर ड्यूटी पर लगा दिया है। तो ये तमाम तरह से कहा जा सकता है कि एक रणनीति के तहत भाजपा अब पूरी तरह से चंपावत की घेराबंदी में लगी हुई है ताकि कांग्रेस जो है इस किले को भेद ना पाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशी है और वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही है। पूरे चंपावत में अगर हमने देखा है तो तमाम भाजपा के ही बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अभिनंदन के पोस्टर लगे हुए हैं और यहां भी जो जनसैलाब है उसको देखकर आप साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सिंह धामी ने बड़ी जनसंख्या को संबोधित किया था उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह है मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर। और अब यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने यहां से नामांकन कर दिया है, नामांकन के बाद कितने वोटों के अंतर से वो जीतते हैं, क्योंकि यहां पर अगर चंपावत विधानसभा सीट के लिए मतदान की बात की जाए तो 31 मई को मतदान किया जाना है और 3 जून को इसकी मतगणना होगी। मतगणना के बाद ये पता लग पाएगा कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार है निर्मला गहतोड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में किस तरह की टक्कर रहती है और कितने से वो जीत पाते हैं। खटीमा से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।